शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख अनुराग शर्मा के हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाते ही उनके समर्थक उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी हत्या की सूचना पाते ही उनके समर्थकों ने रामपुर जिला अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उनके समर्थक उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को जिला अस्पताल के मर्चरी हाउस में रखवा दिया। यहां आपको बताते चले कि शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख बुधवार की रात करीब 9 बजे अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, उसके बाद वहां से फरार हो गए। गोली लगते ही पूर्व जिला प्रमुख बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से निकल आए और जख्मी हालत में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में भी कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ चुके थे। फिलहाल उनकी पत्नी नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से सभासद हैं। शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख अनुराग शर्मा पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे भी चल रहे थे और अनुराग शर्मा का नाम पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर के रूप में भी दर्ज था। तनाव के मद्देनजर आगापुर ज्वाला नगर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर IG रमेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस अधीक्षक रामपुर शगुन गौतम ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। मृतक सिविल लाइन थाने का हिस्ट्री शीटर भी है तथा इन पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक रामपुर ने बताया कि हत्या का खुलासा शीघ्र कर लिया जाएगा। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। गोली मार कर हत्या की है, क्या है पूरा मामला? ये मृतक अनुराग शर्मा जी थे, 40 वर्षीय थे, अपनी स्कूटी पे जा रहे थे शाम के टाइम करीब 8:15 के बीच में। तो उन पर हमला हुआ और उन दो गोली मारी गई। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, परिवार जिस तरह की भी तहरीर देंगे उस तरह से मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि? प्रथम दृष्टि 2 गोली मारी गई हैं जी, पोस्टमार्टम चल रहा है। इसके बाद जिस तरह की तहरीर मिलेगी, जिस तरह की कंप्लेंट परिवार वाले करते हैं उस तरह से कार्रवाई होगी। बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, टीम हमारी लगी हुई है इसका। अच्छा, हमलावर अभी फरार है? हाँ, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। तो क्या कोई CCTV फुटेज वगैरह कुछ? हाँ, जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से हम CCTV फुटेज ले रहे हैं, 2-3 जगह से हमें मिली है, उसकी क्लैरिटी देख रहे हैं। तो जो भी उसमें दिखेगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अच्छा, परिजन जिस समय अस्पताल लेकर के आए थे तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, तोड़फोड़ भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई होगी उसमें? अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं, CMS और CMO से बात हो गई है जी, उसमें किसी की लापरवाही होगी तो उस हिसाब से कार्रवाई। सर, FIR हो गया इसमें? अभी तहरीर नहीं मिली, वेट कर रहे हैं। ठीक, क्या संस्कार अभी किया जाएगा? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.